मरते हुए को मिली एक सांस भी संजीवनी लगती है। कुछ यही हाल है कांग्रेस का। लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस को एक संजीवनी दे दी है और अब इसी के सहारे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकल पड़े हैं एक और किले को फतेह करने। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका सी न्यूज भारत की इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा चुनाव में बीजेपी जहां दम लगा रही है, वहीं कांग्रेस ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस हरियाणा में वहां तीर चलाने जा रही है जहां वो कमजोर रही है और मुश्किल समय में सियासी जंग में खुद कांग्रेस के महारथी उतरने की तैयारी कर चुके हैं। जी हां, हरियाणा को जीतने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद मैदान में उतरे हुए हैं। हरियाणा के रण को साधने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगले चार दिन राज्य में रथ यात्रा करेंगे। कांग्रेस का इस रथ यात्रा का मकसद जहां एक तरफ अपने दुर्ग को मजबूत करना है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की रणनीति बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की मानी जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सियासी जंग फतेह करने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश में दो जनसभाएं संबोधित करने के बाद राहुल गांधी ने अब रैलियों के बजाय रथ यात्रा के जरिए सियासी माहौल बनाने का प्लान बनाया है। राहुल गांधी अंबाला से अपनी विजय संकल्प यात्रा का आगाज कर चुके हैं। राहुल गांधी ने करनाल के असंध सीट से हरियाणा विधानसभा चुनाव का आगाज किया था और इसके बाद हिसार की बरवाला में जनसभा को संबोधित किया। इस तरह राहुल गांधी ने अपनी दो रैलियों के जरिए हरियाणा की बेहद अहम माने जाने वाली जीटी बेल्ट को साधने की कोशिश की थी। जीटी बेल्ट का इलाका बीजेपी का मजबूत दुर्ग माना जाता है, तो कांग्रेस के लिए ये सबसे ज्यादा मुश्किल भरा हुआ है। इसीलिए राहुल गांधी ने जीटी बेल्ट वाले इलाके में रथ यात्रा करके कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की स्ट्रैटेजी अपनाई है। इस तरह हरियाणा में कांग्रेस जहां जहां पर कमजोर दिख रही है, वहां वहां राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए जोर लगाते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी अंबाला के नारायणगढ़ में रैली करते नजर आए। अंबाला के बाद वो साहा और फिर कुरुक्षेत्र जिले का दौरा करेंगे। वहीं आज राहुल गांधी कुरुक्षेत्र में रात्रि विश्राम भी करेंगे और दूसरे दिन अपनी यात्रा का आगाज करेंगे। इस दौरान प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगले चार दिनों तक हरियाणा के सियासी रण में अपनी यात्रा के जरिए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। राहुल गांधी की अब 3 अक्टूबर की शाम तक हरियाणा की करीब 50 विधानसभा सीटों को कवर करने की रणनीति है। यानी कि देखा जाए तो कांग्रेस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हरियाणा में रथ यात्रा का रोड मैप ऐसा तैयार किया है जिसके जरिए बीजेपी के किले को भेदा जा सके। जाटलैंड में कांग्रेस मजबूत है, लेकिन जीटी बेल्ट और हरवाल इलाके में बीजेपी की मजबूत पकड़ है, तो पश्चिमी हरियाणा में जेजेपी के बेहतर प्रदर्शन का अनुमान लगाया जा रहा है। जेजेपी के असर 2019 की तरह नहीं है, लेकिन बीजेपी ने जीटी बेल्ट और अहिरवाल में अपनी पकड़ बना रखी है। इसीलिए राहुल गांधी ने बीजेपी के दुर्ग में उतरकर चुनौती देने और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का दाव चला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंतिम दिनों में ताबड़तोड़ प्रचार के लिए भाई बहन की जोड़ी अगले चार दिनों तक के लिए चुनावी समर में उतरेगी। सोमवार को दोनों नेता 3 जिलों अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र की विधानसभाओं पर प्रचार करते नजर आने वाले हैं। कांग्रेस ने अभी केवल एक दिन का ही शेड्यूल जारी किया है। ऐसे ही मंगलवार और बुधवार के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है, जिसकी घोषणा शाम तक कर दी जाएगी। राहुल और प्रियंका के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान और कुमारी शैलजा भी शामिल होंगे। 2019 के चुनाव में नारायणगढ़, सठौरा, लाडवा और मुलाना में कांग्रेस को जीत मिली थी और पहले भी यहां पार्टी मजबूत रही है। इसीलिए यहां से रथ यात्रा निकालने का मकसद है कि इन सीटों पर पार्टी और मजबूत हो और कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके। वहीं हरियाणा का समीकरण क्या है, जरा आप वो भी समझ लीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले कुरुक्षेत्र में रैली करके हरियाणा में चुनाव प्रचार का आगाज किया था। इसीलिए कुरुक्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी का कब्जा है। जीटी बेल्ट इलाके में पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, पानीपत और कैथल जिले आते हैं। इस इलाके में कुल 27 विधानसभा सीटें आती हैं। बीजेपी इन इलाकों की बदौलत 2014 और 2019 में सरकार बनाने में कामयाब रही थी। जीटी बेल्ट इलाके की 27 में से 14 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और कांग्रेस के पास
सिर्फ 9 सीटें हैं। इसी के चलते बीजेपी के घर में सेंध लगाने के लिए राहुल और प्रियंका गांधी की जनसभा तय की गई। माना जा रहा है कि इसी तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की दक्षिण यात्रा और दक्षिणी हरियाणा, जिसे अहिरवाल बेल्ट माना जाता है, वहां पर भी रैली कराने की रणनीति है। देखा जाए तो हरियाणा में राहुल गांधी की यात्रा के रूट प्लान से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस अपने दुर्ग को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही इस यात्रा को कांग्रेस की बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने की स्ट्रैटेजी भी माना जा रहा है। इसीलिए चुनाव प्रचार थमने से पहले ही राहुल ने ज्यादा से ज्यादा सीटों पर पहुंचने के लिए यात्रा का रास्ता अपनाया है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।